तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से, जहां पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने थाना हनुमना की पिपराही चौकी प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक का पैसा लेने के वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल उन्हें निलंबित कर दिया है और पुलिस लाइन आमद देने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चौकी पिपराही के प्रभारी का जो वीडियो संज्ञान में आया है उसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित करके पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया है और अभी प्राथमिक जांच DSP हेडक्वार्टर को सौंपी गई है और उसकी प्राथमिक जांच प्राप्त होने के पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि तेज खबर 24 की खबर का यह बड़ा असर हुआ है। खबर के प्रकाशित होने के बाद तत्काल सहायक उप निरीक्षक को पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कल दोपहर यह वीडियो सोशल साइट पर वायरल हुआ था, जिसमें हनुमना थाने के पिपराही चौकी प्रभारी बृहस्पति पटेल द्वारा ट्रक के कर्मचारी से रुपए लेते नजर आए थे। इस दौरान जो बातचीत चौकी प्रभारी और ट्रक के कर्मचारी के बीच हुई थी, उस पर एंट्री वसूली किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। यह वीडियो वायरल होने के बाद जब पूरा मामला पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के संज्ञान में पहुंचा, तो उन्होंने आज तत्काल चौकी प्रभारी पिपराही बृहस्पति पटेल को निलंबित करते हुए पुलिस लाइन आमद देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि यह वीडियो 1 से 1.5 साल पुराना बताया जा रहा है। तो यह है इस वक्त की बड़ी खबर रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से, जहां हनुमना थाना के पिपराही चौकी प्रभारी को पैसे के लेन देन का वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल प्रभाव से SP नवनीत भसीन ने निलंबित कर पुलिस लाइन आमद दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद आप लोगों ने उसको कार्रवाई की है, क्या मामला है? चौकी पिपराही के प्रभारी का जो वीडियो संज्ञान में आया है उसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित करके पुलिस लाइन अटैच कर दिया गया है और अभी प्राथमिक जांच DSP हेडक्वार्टर को सौंपी गई है और उसकी प्राथमिक जांच प्राप्त होने के पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।